उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी ही नाबालिग चचेरी भांजी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। रिश्ते में चचेरे मामा के द्वारा नाबालिग के साथ की गई इस बेहद घिनौनी हरकत से पूरे गांव में सनसनी का माहौल है। वहीं वारदात की जानकारी मिलते ही बाराबंकी के एसपी और सीओ सिटी समेत पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। आपको बता दें कि रिश्तों को शर्मसार करने वाला यह मामला बाराबंकी जिले थाना देवा क्षेत्र के एक गांव का है। यहां एक शख्स ने अपनी ही चचेरी भांजी से दुष्कर्म किया। इस बात की जानकारी जब लोगों के सामने आई तो लोग हैरान रह गए। वह नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात की जानकारी मिलने पर बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसपी अनुराग वत्स ने बताया कि देवा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है, साथ ही वारदात की FIR दर्ज कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्दी दोषी को पकड़कर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थोड़ी देर पहले ये सूचना मिली थी कि थाना देवा का टेरा खुर्द करके एक गांव है, इस गांव में एक छोटी बच्ची के साथ उसके चचेरे मामा ने गलत काम किया है। इस सूचना पर हम सब ऑफिसर्स फील्ड यूनिट के साथ यहां पहुंचे हैं और घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। जो विधिक कार्रवाई है इस संदर्भ में, बच्चे का मेडिकल FIR रजिस्ट्रेशन सब किया जा रहा है और जल्दी ही सभी को गिरफ्तार कर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।